अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सादिया। आज हम सीख कबाब और चप्पल कबाब एक ही मसाले से बनाएंगे, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चप्पल और सीख कबाब 350 ग्राम कीमा हम एक बाउल में डाल देंगे, दो अंडे डाल देंगे, एक बारीक कटी प्याज डाल देंगे, धनिया और पुदीना डाल देंगे, सब्ज मिर्चे डाल देंगे, एक कप बेसन डाल देंगे, 1 टेबलस्पून अनारदाना डाल देंगे, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 3/4 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कबाबों के लिए मसाला तैयार हो गया है। इसे मिक्सचर के अब हम चप्पल कबाब बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा मसाला लेंगे, इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इसको एक प्लेट में रख देंगे। हमारे पास इस तरह की ये स्टिक्स हैं। अगर ये मोटी हो स्टिक तो ठीक है, अगर ये बारीक है तो हमने ये 3 स्टिक्स लेके तो यहाँ पर इसको नोट कर दिया है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा मिक्सर लिया है और इसको हम स्टिक के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। इसको भी एक साइड पे प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हमने ये एक और चप्पल कबाब बना के रख लिए। इस तरह से हमने ये सीख कबाब और चप्पल कबाब एक ही मसाले से बना के रख लिए। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। चूल्हे पे हमने फ्राई पैन रख दिया, इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल में अब हम ये चप्पल कबाब डाल देंगे, उसी में ये सीख कबाब भी डाल देंगे। इनको हल्की आंच पर 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। सीख कबाब को भी साइड चेंज कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखें जी, कितनी आसानी से इतने मज़ेदार हमने एक ही मसाले से आपको सीख कबाब और चप्पल कबाब बनाना सिखाए हैं। आप इस तरह से एक ही मिक्सचर से सीख कबाब और चप्पल कबाब बना सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।